एपिसोड एक। एक शापित जगह। अर्जुन के पिताजी राम सिंह ने खांसते हुए कहा, अर्जुन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मालिक को आज उदयपुर जाना है, तू चला जाएगा क्या? अर्जुन ने कहा, लेकिन बाबूजी मेरी परसों परीक्षा है। बेटा परीक्षा की तैयारी कल कर लेना, अगर मालिक नाराज हुए तो तुझे किसी कॉलेज में भर्ती नहीं मिलेगी। अर्जुन ने कहा, ठीक है बाबूजी चला जाऊंगा। कहते हुए अर्जुन उठा और उसने सफेद कपड़े पहने और अपने पिताजी की ड्राइवर वाली कैप पहनकर वो हवेली की ओर चल दिया। हवेली पहुंचकर वह जल्दी जल्दी गाड़ी के पास जाने लगा क्योंकि उसे गाड़ी भी साफ करनी थी, लेकिन वहां पर कम से कम 11 गाड़ियां थी। अर्जुन बुरी तरह से कंफ्यूज हो गया। अर्जुन खुद में बड़बड़ाया, मैं तो बाबूजी से पूछना ही भूल गया कि आज मालिक कौन सी गाड़ी में जाएंगे। वो हवेली के अंदर जाने लगा। रास्ते में माली काका पौधों में पानी देते दिखाई दिए। उसने उनसे पूछा, माली काका आपको पता है आज मालिक कौन सी गाड़ी में उदयपुर जाने वाले हैं? माली शंभू ने कहा, नहीं अर्जुन बेटा मुझे कैसे पता होगा, बेटा मैं ठहरा माली, मुझे कौन ये जानकारी देगा? अर्जुन ने कहा, तो अब मैं किससे पूछूं काका? शंभू ने कहा, बेटा हवेली के अंदर मत जाना, बाहर खड़े गार्ड के साथ ये खबर पहुंचा दो कि आज राम सिंह की जगह तुम आए हो, तो कौन सी गाड़ी है तुम्हें पता नहीं है, गार्ड पूछ के तुम्हें बता देगा। जी काका, कहकर अर्जुन हवेली के बड़े से दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे के पास हट्टे कट्टे दो गार्ड्स सीना ताने खड़े थे, उनके कंधों पर राइफल और कमर पे बंदूकें लगी थी, काले कपड़ों में काले सांड के जैसे दिख रहे थे दोनों। अर्जुन को डर लग रहा था किंतु पूछना तो था, वह हिम्मत करके वहां गया। एक गार्ड ने पूछा, कौन हो तुम? अर्जुन ने कहा, जी जी मैं राम सिंह जी ड्राइवर का बेटा हूं अर्जुन, आज पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, मालिक को उदयपुर जाना था तो आज मैं उन्हें लेकर जाऊंगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि वो कौन सी गाड़ी में जाने वाले हैं, क्या आप पूछकर बता देंगे गार्ड भैया? ठहरो यही मैं पूछकर बताता हूं, गार्ड ने कहा और बाहर लगे एक फोन से एक नंबर लगाकर बात की। मालिक ड्राइवर राम सिंह की तबीयत खराब है, उनका बेटा आया है, उसे मालूम नहीं आप कौन सी गाड़ी में जाने वाले हैं, तो आप बता देंगे मालिक? गार्ड ने बहुत शालीनता से पूछा। लाल रंग की गाड़ी में जाएंगे हम आज, सामने से रौबदार आवाज आई। आवाज इतनी तेज थी कि अर्जुन ने भी सुन लिया था। गार्ड अर्जुन की ओर बढ़ा और उसने कहा, मालिक आज लाल रंग की गाड़ी में जाएंगे। नंबर? अर्जुन ने वहां जाकर कंफ्यूजन ना हो इसलिए पूछा। दोनों गार्ड हंसने लगे। भाई अमीर लोगों की गाड़ी के नंबर कभी अलग नहीं होते। जाओ भाई, दूसरे गार्ड ने हंसते हुए कहा। अर्जुन वापस वहां आया जहां गाड़ियां थी और उसने एक बार सभी गाड़ियों को ध्यान से देखा। हर रंग की और हर ब्रांड की महंगी से महंगी गाड़ी वहां थी और नंबर था 1111। उसने जल्दी से लाल रंग की गाड़ी को साफ किया, तभी हवेली से एक आदमी सफेद रंग के सूट में, आंखों में महंगा गोगल, हाथों में रोलेक्स की घड़ी, महंगे जूते, आसपास चार गार्ड्स को लिए वो हवेली से बाहर आ रहा था। अर्जुन उसे देखता रह गया। वो था बालकृष्णा ठाकुर, वो जमींदार था, गांव का सबसे रईस आदमी और कई काले धंधे भी करता है। बड़े ही रौबदार रवैये के साथ उसने हवेली से बाहर कदम रखा। चलकर वह गाड़ी के करीब आया। सिर्फ एक गार्ड साथ वह लाल गाड़ी के पास खड़ा हुआ और बाकी के चार और गार्ड दूसरी काले रंग की गाड़ी के पास मालिक के गाड़ी में बैठने का इंतजार करने लगे। अर्जुन ने नजरें झुकाकर उसे झुककर सलाम करके संबोधित किया, नमस्ते मालिक। बाला ने पूछा, तुम राम सिंह के बेटे हो? जी मालिक, अर्जुन ने अब भी नजरें झुका रखी थी। नाम क्या है तुम्हारा? बाला ने पूछा। अर्जुन, अर्जुन ने कहा। अच्छा नाम है, बाला ने कहा। धन्यवाद मालिक, अर्जुन ने सर झुकाए हुए कहा। चलो देर हो रही है, रास्ता तो याद है ना तुम्हें? बाला ने फिर पूछा। जी मालिक, अर्जुन ने इतना ही कहा। अर्जुन ने बाला के लिए दरवाजा खोला, बाला गाड़ी में बैठा, अर्जुन ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गया और सफर हुआ शुरू। लेकिन अर्जुन ये नहीं जानता था कि यहां से उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अर्जुन बाला के साथ उदयपुर के लिए निकलता है। अर्जुन की गाड़ी में बाला और एक गार्ड है और पीछे एक ब्लैक गाड़ी में चार और सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। कुछ घंटों के सफर के बाद वो पहुंच जाते हैं उदयपुर रेलवे स्टेशन। अर्जुन गाड़ी से टिक कर खड़ा था और बाला अब भी गाड़ी में बैठा इंतजार कर रहा था। तभी एक सुंदर सी लड़की उसकी तरफ चलकर आते हुए दिखी। अर्जुन ने उसे देखा, वो उसे देखता ही रह गया। नारंगी रंग के पटियाला सूट में साइड से लटका हुआ एक छोटा राजस्थानी है एंडवर्क वाला बैग।
आधे खुले किंतु सफर की वजह से बिखरे हुए बाल, हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां, पैरों में राजस्थानी जूती और कानों में बालियां, पीछे एक कुली दो चार बड़े बड़े बैग लिए आ रहा था। गोरा रंग, काली आंखें, बड़ी बड़ी पलकें, घनी भौहें, गुलाबी होठ, लंबी तीखी नाक, सुराहीदार गर्दन। अर्जुन ने इतनी खूबसूरत लड़की पहली बार देखी थी। वह उसे एक टक देखे जा रहा था। इधर अर्जुन को उस लड़की ने देखा ही नहीं था, वह सीधा बाला की ओर चली। बाला उसे देखकर गाड़ी से नीचे उतर गया। वो लड़की बाला के गले से लग गई। कौन थी ये लड़की? क्या रिश्ता था इसका बाला के साथ? क्यों अर्जुन उसे देखता रह गया? क्यों बदलने वाली थी अर्जुन की जिंदगी? जानने के लिए सुनते रहिए एक शापित जगह, और आगे जानने के लिए DSC हिंदी सीरीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।